Pasha Quadri के तहत ये इस चारों की निशिंत है क्या लगे आपके काम दे कुछ ऐसे नहीं कि बोलती करूँगा लकी भी मिलने का इसका अच्छा नहीं होता आप लोग कैसे करते हैं इसके बाद में नहीं करती बात या कुछ बुरा ऐसे नहीं होते थे मुझे आपकी फिल्म के लिए मौका दिया है मैं बहुत बड़े मंदिर का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप हजरात को प्रणाम करता हूँ कि आप हजरात भारी एक्सपीरियंस से मंदिर से चार दिनों तमीन को कामयाब करेंगे मौजूदा हालात में हमको पहले से ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है क्योंकि आज हर तरफ से हमको निशाना बनाया जा रहा है और पांच साल के अर्से में जो यहाँ पर दोनों ज्यादती मुसलमानों के साथ हुई है वो कभी हिंदुस्तान में ऐसे हालात नहीं हुए थे बाबरी मस्जिद को शहीद करे उनको इख्तदार मिला अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम मैंने बीजेपी हुकूमत करी गुजरात के अंदर फसादात करा के हजारों लोगों को खत्म करे फिर उनको इख्तदार मिला और आज वो वजीर आजम बन के बैठे मैं गुजरात के फसादात के वक्त और उसके बाद भी मैं कई अर्से तक कहते रहा कि गुजरात का वो भयानक फसाद हिंदुस्तान के जमहूरी दामन पे कदमा दाग है इसको कोई कभी भी भुला नहीं सकते ना इसको भुला सकते मैं हमेशा इससे पहले भी कहा हाँ एक ही रास्ता है उसको भुलाने का उसको झुलाने का जो उस फसादी को फांसी पे लटका दिया जाए तो हम हो सकता है उसको माफ कर दिया बोला लेकिन ये जनपदों की हुकूमत की जब कांग्रेस थी इतना दम कम नहीं था जरूरत नहीं थी कि कोई एक्शन ले मुसलमानों के कातिलों से बिल्कुल नतीजा यह निकला कि उनकी बुद्धि का नतीजा है उनके सरों पर कायम हो गई हमको इन हालात पर नजर रखते हुए ये बफे बफे से फसादात होते थे अब फसादात का सिलसिला खत्म हो गया हमारे मुल्क में अब क्या हो रहा है एक एक को चुन चुन के मार रहे हजूमी तशद्दुद गांव रक्षकों का हमला लव जिहाद इस उन्माना से हमारे नौजवानों को नशाना बनाया जा रहा है और फिर ऊपर से दीदा दिलेरी ये कि नौजवानों को निहत्ते मुसलमानों को मारा जा रहा है उसकी वीडियोग्राफी लेकर उसको वायरल किया जा रहा है जब वीडियो का मंजर सामने आ जाता है तो इतना ठोस सबूत है कोई भी अदालत हो उसको मुजरिम करार दे सकती है और फांसी का सजा फांसी की सजा दे सकती है लेकिन आप देखेंगे इतने वीडियो आए उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया बहरहाल ये हालात को हमारे पेश नजर रखकर हमको मुस्तैद होने की जरूरत है कब कहां क्या हो सकता है हम नहीं बता सकते लेकिन आज पूरे मुल्क में अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक उम्मीद की किरण कोई है तो वो मल्लिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है हर तरफ हर रियासत हर शहर का आदमी मल्लिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर उम्मीद की नजर लगाए बैठे और वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से कि मल्लिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्लियामेंट और असेंबली में क्या कर रही है टीवी पे लाइव बता जा रहा है तो लोगों की आंखें खुल गई कि हिंदुस्तान के इस हिस्से में जुनूबी हिंद के हैदराबाद में ऐसे दियाले भी है जो इख्तदार की आंखों में आके डाल के बात करने की जरूरत रखते हैं कभी इख्तदार से करते नहीं वो देखते हैं टीवी पे उत्तर प्रदेश को मैं गया तो लखनऊ के अंदर नौजवानों ने कहा कि कादरी साहब हमने बहुत से एमपी एमएलएस को देखे लेकिन ये दो भाई जो बात करते हैं इस अंदाज की बात हमने किसी से नहीं सुनी ये बात करते हैं तो दिल को छू लेती है बात और दिल को जीत लेते हैं मैंने कहा मल्लिस इत्तेहाद मुस्लिमीन दिलों को जीतने वाली जमात है दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं
वो आता है दिल भरी हो के नवाए आशिकाना, जो दिलों को फंसा कर ले वही पाते हैं जमाना। आज लोग जॉब दर जॉब हजारों डालता हजारों विकास में मिली से वालता हो गए। मैं बताऊं ताजुब होगा आपको सुनकर, लखनऊ के अंदर नौजवानों के पास सीढ़ी है असेंबली के पार्लियामेंट की और नकीब मिल्लत के टीवी पर जो डिबेट होते उसके सीडीज बने हुए, ऐसा घर के अंदर कंपाउंड वाल है। नौजवान बच्चे आज असद भाई के आज तक की चैनल पर जो डिबेट हुआ था वो सुनेंगे। एक स्क्रीन लगाते हैं 25 कुर्सी डालते हैं, 50 कुर्सी डालते हैं, देखते हो। आज अकबर भाई की तकरीर सुनेंगे निजामबाद की, स्क्रीन डाले दे उसको, ना इजाजत की जरूरत है ना दर्जे के उसकी जरूरत है, कंपाउंड वाल के अंदर सुनते हैं। ऐसे सीडी वहां पर बहुत चलते और देखते हैं वो लोग। इस अंदाज की जरूरत का मुजाहरा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कभी किसी ने नहीं किया। आज करोड़ों मुसलमानों के और पसमानदा तबकात के नुमाइंदे की हैसियत से नसीब मिलत असदुद्दीन अवैसी साहब खड़े हो जाते हैं पार्लियामेंट में, और उस वक्त पूरे पार्लियामेंट पर सन्नाटा छा जाता है जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर नदी में मिलन के कहते हैं कि तुम्हारी हुकूमत जुल्म कर रही है, इसको रोको वरना तुम भी इकतदार से तुमको ये हाथ धोना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर गुजरात थे जब उस वक्त पार्लियामेंट में जब फसाद हुए तो नदी में मिलन ने तकरीर करते हुए कहा था कि गुजरात का जंगली कुत्ता वहां पर हंगामा खड़ा किया तो पूरे एमपी हंगामा करने लगे। ऐसे में पार्लियामेंट की कार्रवाई रुक गई। स्पीकर ने कहा असद साहब माफी मांगिए, तो असद साहब ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगता। हाउस अर्जेंट कर दिए दो घंटे तक। असद साहब दिल्ली से सारा मिलत को टेलीफोन करके कहा कि बाबा ऐसा हुआ है, मुझे माफी चाहने के लिए कह रहे हैं। सारा मिलत ने कहा अगर माफी चाहना है तो दिल्ली में रहना, हैदराबाद में कदम नहीं रखना। माफी नहीं चाहना चाहिए, चुनाव सालार की हिदायत पर वो माफी नहीं चाहे, मजबूर होकर फिर पार्लियामेंट के इजलास को दोबारा चलाना पड़ा। मेरे इस करने का मकसद ये है, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त मल्ली सरजहाद्रमुद्दीन की मकबूलियत में दिन बदिन इजाफा हो रहा, और ये इजाफे की वजह क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी बुनियाद आप लोग, आपके बुजुर्गों ने मल्ली सरजहाद्रमुद्दीन को वोटों की शक्ल में ताकतवर बनाया तो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मल्ली सरजहाद्रमुद्दीन की शोहरत होने लगी। आपके बड़ों ने मल्ली सरजहाद्रमुद्दीन को खून और पसीना टपका के वोट दिया, मल्लिस की ताकत में इजाफा हुआ, मल्ली सरजहाद्रमुद्दीन हिंदुस्तान और दुनिया के ममालिक में शोहरत याफ्ता जमात हो गई। ये आपकी मोहब्बत और आपके ताउन का नतीजा है। आज बड़ी बड़ी इमारतें आप देखते हैं, अवैसी हॉस्पिटल, अस्त्रा हॉस्पिटल, मुलायम सिंह आके देख के हैरान हो गए और कहा कि अवैसी साहब आप ऑपोजिशन में रह के जेलम को जाकर आप ये इतनी बड़ी इमारत खड़ा कर दिए, इतना बड़ा दवाखाना बनाया, हम हुकूमत रखने के बाद भी नहीं बना सके। तो सारा रविंदर ने कहा मुलायम सिंह साहब ताजमहल भी हम ही बनाए, ये भी हमें बनाए, आज मौका दे गए, देखो हमारे नौजवान में इतनी सलाहियत और ताकत है, एक नया ताजमहल बना के तुमको बता सकते हैं। ये सलाहियतों को मौका तुम लोगों को तुम्हारी हुकूमत तुमको देखती नहीं। बहरहाल सालार मिल्लत तन्हा थे, उनके साथ कोई एमएलए एमपी कॉर्पोरेटर कोई दौलतमंद नहीं था। बेल तरह सामानी के आलम में जमात को तरक्की दिए, 14-14 मरतबा जेलों को गए, शहर बदर किया गया, उनको मुकदमा डाले गए, लेकिन वो आहनी कियादत अपने पाए इस्तकामत में लफ्ज नहीं लाई बल्कि डट के मुकाबला के आगे बढ़ते चले गए। तो आज उनकी कुर्बानियों का नतीजा है, एक एमएलए सालार मिल्लत थे तो लोग इतराज करते थे कि इन्हों क्या कर सकते हैं, लेकिन वो सालार मिल्लत की कियादत ने दुनिया को तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया कि एक सलाहुद्दीन अवैसी की काविशों के नतीजे में पहले 3 एमएलए बने, 5 बने, उसके बाद 7 बने, फिर 1 एमपी, 2 एमएलसी, हैदराबाद बदिया पर हमारा अमेरिका कब्जा हुआ, वो एक सालार मिलत की कुर्बानी का नतीजा।
ये क्या जो क्या नहीं हो सकता, वो बेमान कियादत, वो बेदाग कियादत जो कभी भी अपने दामन दामन को दावदार होने नहीं दिया, एक बाकी पाक दामनी के साथ आपकी कियादत करते रहे, उनको भी उन पर भी इल्जाम की बोलचाल करें। लेकिन मजिदी की तारीफ है, हर जमात में आप देखते हैं करोड़ों रुपए के स्कैंडल नजर आएंगे, मल्लिक शहादुलमुस्लिमीन में अल्लाह का फजल है, किसी भी स्कैंडल में मल्लिक शहादुलमुस्लिमीन आज तक मुलविस नहीं, क्योंकि जमात अल्लाह के बंदों की खिदमत करती है और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए करती है। दौलत बटेरना और स्कैंडलों में मुलविस होना यह जमात की आदत नहीं रही। बहरहाल मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, ये वो इलाका है जहां के बुनियादी तौर पर मजलिस को अपनी ताकत दी और अपने मजीद ताकत देने के लिए आप हजरात कोशिश करें। अब मुसलसिल जलसे होंगे, मेरा अपना तरीका है, मैं किसी के खिलाफ कोई तकरीर नहीं करता, मैं किसी जमात को या किसी फर्द को कुछ नहीं बोलता, और मैं चालाक से सीखा हुआ हूं उनका शागिर। चालाक यही कहते थे, जब किसी को छेड़े रखो, अगर कोई छेड़ा तो फिर छोड़ो रखो। तो हम मजलिस क्या करी, क्या करने वाली है वो बताएंगे, मजलिस क्या करने वाली है, क्या करी ये बता देंगे कि तकरीरों में जलसों में ये बताएंगे। लेकिन कोई ये समझे कि हम जो चाहे कर लेंगे, जो चाहे बोल लेंगे, तो फिर मजलिस मुस्लिम में ये वो जमात है जो गूंगों को जमान दी है, तुम तो क्या रहते रखते हो हमारे साथ, बड़े बड़े सुरमा के टक्कर लेके चले गए, लेकिन बेसर सामान्य के आलम में अल्लाह का करम, सरकार का सत्ता, अहले बैत का सत्ता, वैसे पाक का सत्ता, मजलिस हर तरफ से कामयाब होते गई, चलना थी दुनिया नहीं समझ सकती थी कि ये कामयाब